नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे हैं और स्वस्थ होंगे। आज का अपना सेशन है वो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए योग। हालांकि नॉर्मल डिलीवरी होना ना होना वो अपने खुद के हाथ में नहीं होती है, लेकिन ये योगासन के माध्यम से हम जो अंतिम पड़ाव होता है प्रसव का, उसके लिए पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार रहते हैं हम। यानी कि हमारे मन में जो भी किसी तरह का प्रेगनेंसी को या प्रसव को लेके डर होता है, भय होता है, वो एक तरह से दूर होता है और सकारात्मकता अपने दिमाग में आती है। नेगेटिव प्रसव को लेके जो भी नेगेटिव नकारात्मकता होती है उससे दूर रहा जाता है। जब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका बेबी रोटेट करता है, उस दौरान बेबी का पोस्चर होता है वो नॉर्मल डिलीवरी के हिसाब से सिर नीचे की तरफ होना चाहिए, लेकिन जब रोटेशन करता है तो बच्चा कैसे भी घूम जाता है। आपके 9 महीने की जो प्रेगनेंसी थी वो बहुत एकदम सेफ थी, लेकिन एंड मोमेंट पे अंतिम पड़ाव में आपकी शारीरिक परिस्थिति या शारीरिक स्थिति कुछ इस तरह की हो गई और बच्चे का अंदर जो पोस्चर था वो इस तरह का हो गया कि डॉक्टर को ना चाहते हुए भी आपका सी सेक्शन करना पड़ता है। इसके लिए ना तो आप किसी को डॉक्टर को ब्लेम कर सकते हैं, ना आप ये सोचें कि मैंने तो योगा किए थे नॉर्मल डिलीवरी के लिए, मैंने ये किया था, मैंने पूरा ध्यान रखा था, फिर भी कैसे हो गया। तो ये चीज़ें ब्लेम नहीं की करनी चाहिए, इन सब चीज़ों को आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल के डॉक्टर होते हैं वो गार्जियंस के इस तरीके से हावी होने के डर से वो उनको 50% भी अगर कहीं रिस्क लगती है, 30% भी कहीं रिस्क लगती है तो एकदम से क्लियरली बोल देते हैं और सी सेक्शन के लिए सजेस्ट करते हैं वो, क्योंकि वो अपने ऊपर या अपनी जॉब के ऊपर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते, ना ही किसी मनुष्य पर कोई रिस्क ले सकते हैं कि क्या पता ऐसा भी हो सकता है। तो एक तरह से मतलब इस तरीके को अपन सोचे ना कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी के लिए कर रहे हैं तो नॉर्मल ही हो या सी सेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये योगासन हमें क्या करेगा, मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूती प्रदान करेगा, मजबूती लाएगा और जो प्रसव से संबंधित जो हमारे मन में एक भय है उसको दूर करेगा, तनाव को दूर करेगा। आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सरोज चौधरी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जरूरी नहीं कि योगासन आप गर्भवती महिला ही कर सकती है, ये तो उनके लिए मॉडिफाई करके सिलेक्ट किए गए हैं। ये योगासन आप सभी कर सकते हैं, आपके सभी का फैट या स्ट्रेचिंग होता है उस पर फर्क पड़ता है, बॉडी को मजबूती प्रदान करता है। तो ये तो सोचे ही नहीं कि हमारे किसी काम का नहीं है। और आगे की जो सीरीज होती है वो मैं हर तरह की लेके जाऊंगी, फैट लॉस का भी होगा, एक्सरसाइज भी होंगी और जो फैट लॉस के आपके योगाज हैंगे, डाइट प्लान होगा, वो सब तरह के आएंगे। तो आप यही सोच के ना करें कि सब्सक्राइब नहीं करना है, यही ना सोचें, आपको सब्सक्राइब करना है। और आसपास में कोई ऐसी महिलाएं हैं जिनके लिए मेरा वीडियो लाभदायक है तो उनके साथ में शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा वॉच करना। वॉच करने के पश्चात आपको एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है, लाइक करना है। तो चलिए सबसे पहले अपन खड़े होकर एक वार्म अप करेंगे बॉडी का। वार्म अप कुछ क्या करते हैं, मैंने सेलेक्ट किए हैं प्रीवियस वीडियो में भी मैंने वार्म अप करवाए हैं, उनमें से आप क्या करोगे सेलेक्ट करके कोई से भी वार्म अप आप कर सकते हो जो आपको ईजी लगे, हर बॉडी का, हर बॉडी पार्ट्स का वो आप कर सकते हैं। इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर तरह तरह से वार्म अप हर बॉडी पार्ट्स का बताती हूँ। अपना जो ये वीडियो है वो जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर जो चल रहे थे वो वीडियो हैं, कुछ उनको मॉडिफाई किया और कुछ नॉर्मल डिलीवरी के लिए सजेस्ट करके इसको सिलेक्ट किया गया है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पैर का वार्म अप करेंगे, 5 बार राइट 5 बार लेफ्ट। फिर ये जो अपनी नी है इनको दोनों को ज्वाइन करके इसको सांस काटते हुए आगे की तरफ आएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में करेंगे।
इसके पश्चात कमरका करेंगे, सांस लेते हुए आगे की तरफ, सांस बढ़ते छोड़ते हुए पीछे की तरफ। हाथों का करेंगे, स्कंदासन, नेक का रोटेशन करेंगे, सांस भरते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। फिर राइट लेफ्ट करेंगे, आगे पीछे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये इस तरीके का ब्लॉक्स भी आता है। ब्लॉक क्या होता है, इस टाइम पे टमी आ जाता है तो ब्लॉक बहुत ऊपर रहता है, इसलिए आप इस तरीके का पिल्लो या कोई मोटा और भी कोई कपड़ा हो, टावल हो, वो लगाएं नीचे। इस तरीके से लगा के बैठें, पैरों दोनों को यूं फैलाएं, ये यूं हाथ यूं रखें, सांस भरते हुए ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, सांस छोड़ते हुए निकले। दूसरे हाथ से करें, एक, दो, तीन, चार, पांच। आप दो बार कर सकते हैं, दो बार करें, तीन बार कर सकते हैं, तीन बार करें। इसी मुद्रा में अपन मालासन की मुद्रा में आएंगे। मालासन में क्या करना है, पैरों को यूं करना है इस तरीके से। ये इस टाइम पे बिना किसी सपोर्ट के बैठ पाना मुश्किल है, तो सपोर्ट करें। सांस लें लंबी लंबी, अपन क्या करेंगे, बालासन करेंगे, चाइल्ड पोज जो होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अपन हिप को पहले तो नीचे की तरफ रखते थे, अब थोड़ा सा हिप और ऊपर उठा लेंगे, क्योंकि हमारा पेट बढ़ चुका होता है तो उस पर किसी भी प्रकार का प्रेशर ना पड़े। वज्रासन में बैठेंगे धीरे धीरे, हाथों को यूं करेंगे, हिप्स को पीछे से ऊपर उठाएंगे, थोड़ा थोड़ा पीछे आइए, इससे ज़्यादा आपको नीचे नहीं झुकना है। नॉर्मल सांस लें,
धीरे धीरे हाथों से पीछे आए, वज्रासन में बैठें। जितना मैंने हिप्स को ऊपर उठाया है पीछे से, आपको भी उतना ही ऊपर उठाना है, ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं करना है, आपके पेट पे प्रेशर पड़ेगा। फिर इसी हिसाब से आपको वज्रासन में बैठने के बाद में थोड़ा सा एड़ियों को यूँ उठा लीजिए, अगर ब्लॉक्स हैं नीचे या पिल्लो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप हाथों को यूँ टिका करके इस तरीके से करें। पोज, ये जो योगासन है वो सिलेक्ट किए गए हैं, इससे क्या होता है कि आपके बेबी का हेड है, उसका जो पोस्चर है, हेड है, वो नीचे की तरफ आ जाता है इन योगा आसन से। वापस ऐसे हाथ रखें पीछे इस तरीके से, आराम से बैठूं। बद्ध कोणासन की मुद्रा में बैठें, लंबी लंबी सांसें लें। इसी से हम तितली आसन करेंगे, सांस लेते हुए पैरों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सुखासन की मुद्रा में बैठेंगे। आपको एक प्राणायाम है जो पूरे 9 महीने करना है, अनुलोम विलोम बाकी सब तो करना ही करना है, लेकिन शीतली प्राणायाम जो मैंने पहले की वीडियोज में बताया था, उससे क्या होता है आपके 9 महीने में जो आपको बीपी हाई रहता है, गर्मी लगती है, कब्ज, एसिडिटी, ये एक स्वाभाविक होती है प्रेगनेंसी में ये चीज़ें रहना, और लास्ट के मोमेंट पे तो बहुत ज़्यादा जलन सी रहती है, तो इन सब चीज़ों से आपको राहत दें, इसके लिए आपको शीतली प्राणायाम करना है। प्राणायाम की मुद्रा में आएंगे, जीभ को फोल्ड करेंगे, मुंह से सांस लेंगे, फिर बाएं नाक को बंद करके सांस को बाहर निकालना है, नाक से निकालना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें, सांस बाहर निकालें। के पश्चात आप अनुलोम विलोम भी करें साथ में, जितने लंबा कर सकते हैं उतना लंबा करें। दाएं नाक से सांस लें, बाएं से छोड़ें, बाएं से सांस लें, दाएं से छोड़ें।
जितना लंबा प्राणायाम कर सकते हैं उतना लंबा करें। अंत में अपन क्या करेंगे, जो अपनी शवासन मुद्रा होती है उसमें लेटेंगे। बाकी जो नॉर्मल जब अपन होती है तो शवासन मुद्रा एकदम से सीधे लेटे जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी में आपको बाईं तरफ करवट लेके लेटना है, उसका पोस्चर थोड़ा अलग होता है। इस तरीके का पिल्लो, कोई भी पिल्लो हो वो अपन जरूर लेंगे, बाईं तरफ करवट लें, ये पिल्लो के ऊपर दूसरा पैर लगाएं, ये हाथ आपको यूं रखना है और इस तरीके से लेटना है। प्रेगनेंसी में वैसे भी बाईं तरफ लेटना ज़्यादा सही रहता है, आपकी बेबी के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। आज का सेशन अपना यही समाप्त होता है, अगले सेशन में मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।